आई कमिटेड टू यू, लेट मी टॉक टू यू, जैसा मैंने आपसे कमिट किया था. आज हम लोग एल्विन एक्सेल वाला जो टॉपिक है क्लास में, इसको फिनिश करेंगे. इसमें एक लास्ट छोटा सा पोर्शन बचा रह गया था, हाउ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस एकॉम्पनिंग अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन. ये वाला टॉपिक हमें निपटाना है. ये वाला टॉपिक हम लोग धीरे धीरे करके समझ समझ के बातों को निपटाने की कोशिश करेंगे. सो वी विल कैलकुलेट टुडे, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट हाउ टू फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज एकॉम्पनिंग अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन. सो इफ आई टेल यू, आपको ऐसा एक रिलेशन याद होगा, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जी गिव फ्री एनर्जी जो होता है वो एंथैल्पी और एंट्रोपी का कॉम्बिनेशन होता है. किस रिलेशन के जरिए? जी इज इक्वल टू एच माइनस डी एस. यू रिमेंबर, आपको याद पड़ता है रिलेशन जी इज इक्वल टू एच माइनस डी एस. क्विकली दिखाएंगे इस बात को. कैन आई राइट विथ योर परमिशन, कैन आई राइट टी जी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी एस? यस नो, कीप ऑन चेकिंग. सो दिस बिकम्स टी एच माइनस टी डी एस एंड एस डी टी. काइंडली शो दिस. ये बात अपने नोटबुक में दिखाया इस तरीके से. क्या इसको फर्दर डाइसेक्ट और छोटा कर सकते हैं हम लोग, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे. तो आप मुझे एक बात ये बताइए, H is equal to U plus PV होता है, ये आपने पढ़ाया था. तो अब इस बात को अप्लाई करेंगे बच्चे यहाँ पे. जब इस बात को अप्लाई करेंगे देन दिस बिकम्स डी यू प्लस पी वी. एंड वॉट इज यू प्लस पी वी? एंड देन वॉट इज माइनस टी डी एस एंड माइनस एस डी टी? वॉट इज दिस इज फर्दर सब्ट्यूट टू डी यू प्लस पी डी वी वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. धीरे धीरे एक्सपैंड करा, ध्यान से देखेंगे इसको. आप दिखाइए अपनी बात को. मैंने इस डिफरेंशियल को अगर खोल दिया तो दिस बिकम्स डी यू प्लस पी डी वी एंड वी डी पी. एक को कॉन्स्टेंट करके दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे. फिर ऐसा ही दूसरे के साथ भी करते हैं हम लोग. तो इतनी बात समझ में आ रही है आपके. अब आप मुझे एक बात ये बताइए, आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. सो इस बात को आप यहाँ क्विकली दिखा सकते हैं इस तरीके से. शो दिस एंड देन टेल व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. थोड़ा थोड़ा लंबा होता जा रहा है. डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस व्हाट इज पूरी बात को पी डी बी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस एंड माइनस एस डी टी. इतनी बात दिखाइए. अब आपको इसमें क्या चीज़ें कन्वर्ट करने के लायक लग रही, ये जरा मुझे बताएंगे आप. और क्या चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे? मेरा मानना है आप डी क्यू को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. इफ़ यू रिमेम्बर, आपने पढ़ा था एंट्रोपी का बेसिक डेफिनेशन डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी. सो डी क्यू के बदले आप लिख सकते हैं टी डी एस और डी डब्ल्यू इज वर्क डन विच इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी. थोड़ा लंबा हो गया है बट आपको देख के अच्छा रहेगा. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी. आप ध्यान से देखिए इस बात को, क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पे. कोई एक बच्चा देख के बताएगा क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पे. पी डी बी कैंसिल हो गया बच्चों, और डी डी एस भी कैंसिल हो गया. तो क्या बचा रह गया? दिस इज सब्ड्यूड टू, ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया वी डी पी माइनस एस डी टी. सो इतनी बात दिखाएंगे. आपने प्रूफ किया डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी. क्विकली शो दिस. सो ये बात दिखाइए अपने नोटबुक में आप. डी जी हैज बीन चेंज टू दिस. अब इसके बाद आगे क्या करना है हम लोगों को? हम लोग निकालने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं
किसी कैल्विनिक सेल के अंदर जो सेल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है क्या वो कैलकुलेट किया जा सकता है? हम लोग उसी बात की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसमें क्या बचा रह गया। डी जी इज इक्वल टू, आपने डिराइव किया, क्या डिराइव किया था? डी जी इज इक्वल टू व्हाट? यस एनी चाइल्ड, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। देखेंगे ऐसा, सो इफ आई राइट डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तब ये क्या लिख सकते हैं इक्वेशन में? ध्यान दोगे यहाँ पर मैंने डी जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिखा है। जब कॉन्स्टेंट प्रेशर लेंगे तो डी पी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, दिस टर्म वैनिसेस, ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा रह जाएगा यहाँ पे? ये बचा रह जाएगा माइनस एस। सो इफ आई डू इट और चेंज इट लाइक दिस, टी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन दिस बिकम माइनस डेल्टा एस। एंड एज यू रिमेंबर वी हैव लर्न प्रीवियस क्लासेस, डेल्टा जी जो होता है बच्चों वो माइनस एन एफ ई के बराबर होता है। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डिफरेंशिएशन से क्या चीज़ें बाहर आ जाएंगी? एन एफ बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉट? माइनस डेल्टा एस। क्विकली दिखाएंगे इन बातों को, कुछ छूट गया यहाँ पे दिखाने के लिए? मेरे ख्याल से एक चीज छूट गई है। क्या छूट गया यहाँ पे? यहाँ छूट गया है देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन आउट हियर, सो ये नेगेटिव साइन दिखाते हैं यहाँ पे। नाउ दीस टू नेगेटिव्स आर कैंसिल, सो क्या निकल के आ गया यहाँ से, क्या रिलेशन निकल के आ गया? डी ई डी टी मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एन एफ इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। This term is known as temperature coefficient of EMF of a galvanic cell। इस टर्म को क्या बोलते हैं? डी ई डी टी अपॉन पी वाले टर्म को क्या बोलते हैं आप? दिस टर्म इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, और इसको एन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज अकॉम्पनिंग अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। तो दिस वाज आवर प्राइमरी असाइनमेंट, हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज अकॉम्पनिंग अ सेल रिएक्शन, दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। इसी तरीके से इसको निकालते हैं, ये आप दिखा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर जो ये टर्म है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास दो टेम्परेचर दिया हो और दोनों टेम्परेचर पे EMF का वैल्यू दिया हो E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होगा दिस विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। So what is temperature coefficient? It is the difference of the EMF of the galvanic cell at two different temperatures. I write it like this. So this is temperature coefficient of EMF of the galvanic cell. So this is how we calculate this. और इसकी मदद से आप क्या निकाल पाएंगे? इसकी मदद से क्या निकालना सीखा आपने? आपने इसकी मदद से निकालना सीखा how to calculate entropy change accompanying a galvanic cell reaction. Now last portion of today's topic is we are going to finish the topic now. Can we calculate the enthalpy change accompanying a galvanic cell reaction? Last portion is हम लोग निकालना सीखेंगे enthalpy change. किसका enthalpy change? Accompanying a cell reaction. So we have to calculate change in enthalpy delta H accompanying a cell reaction. So this is the last assignment. Write it properly, then we will discuss it gradually. Cautiously discuss करेंगे इसको. क्या निकालना है हम लोगों को? हम लोगों को निकालना है change in enthalpy accompanying a cell reaction.
अगर आपको याद होगा आपने सीखा था रिलेशन डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता है, डेल्टा एस का वैल्यू पता है, तो डेल्टा एस को निकाल लेंगे। डेल्टा जी यू ऑलवेज नो, डेल्टा एस अभी आपने निकालना सीखा, सो वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ये हमने स्कीम बनाया है डेल्टा एच को निकालने का, तो ध्यान से करेंगे इसको। पहले इस इक्वेशन को लिखिए अपनी नोटबुक में, राइट दिस। Now what do we do here is delta of h will be equal to what? Delta of h will be equal to delta g plus t delta s, right? ऐसा लिखेंगे अपने नोटबुक में। And what else? अब क्या बचा रह गया? Delta g का वैल्यू पता है आपको, this is equal to minus nfe plus T is T, आपने सीखा था। डेल्टा एस का वैल्यू क्या सीखा था भैया आपने, एन एफ। एंड वॉट इज डी ई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट इट लाइक दिस, ऐसा लिखा था आपने। सो अब आपको निकलता दिख रहा है कि हम डेल्टा एच का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, एन एफ को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंडर ब्रैकेट क्या बचा रह जाएगा, यहाँ से अंडर ब्रैकेट बचा रह जाएगा। This will be dE dt at constant pressure multiplied by its temperature, ध्यान से देखेंगे और क्या बचा रह जाएगा, minus E, and this will be equal to, this will be equal to what? This will be equal to delta H enthalpy change accompanying a cell reaction। तो हमने delta S भी निकालना सीख लिया, हमने delta S निकालना सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, और हमने यहाँ पे डेल्टा एच निकालना भी सीख लिया। सो हम लोगों ने थर्मोडायनामिकल पैरामीटर जो होते हैं किसी गैल्वेनिक सेल के, उनको प्रॉपरली निकालना सीखा है। यहाँ पे डेल्टा जी हमें पहले से निकालना आता था, डेल्टा एस और डेल्टा एच निकालना सीखा है यहाँ पे इस टॉपिक में। क्विकली रिवाइज करेंगे और हम लोग इस लेक्चर को फिनिश कर लेंगे यहाँ पे। मैं आपको एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। And this is all about the topic galvanic cell. You can always connect me through comment box or mail me your queries and we can always discuss this around. You can may write this question like this. Yeah, हम lecture conclude करेंगे यहाँ पे, खत्म करेंगे। Question is, question is like this. They are reacting together to produce cell reaction like this, write the cell reaction. You are given a cell reaction like this. Now what we need to calculate is, first you write the cell reaction. What we need to calculate is, you need to calculate delta G, delta H and delta S. Delta G, delta H and delta S का value क्या हो जाएगा इस cell reaction के लिए? अगर इसके ई एम एफ का वैल्यू दिया हुआ है x वोल्ट्स, x दिया हुआ है x ले लेंगे, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ई एम एफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है y। सो दीज टू पैरामीटर्स आर नोन, व्हाट आर द टू पैरामीटर्स नोन, इसका इस सेल रिएक्शन का, इसके इसके ई एम एफ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ई एम एफ वैल्यू इसके मैन, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है, और इन दोनों वैल्यूज की मदद से आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है डेल्टा जी, आराम से निकल जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू, और ये निकाल के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है, या मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक गैल्वेनिक सेल, वी आर फिनिशिंग द टॉपिक। आई होप आपने मेरी बातें समझी होंगी, कुछ बातें अगर किसी के समझ में नहीं आई होंगी, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी एंड आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव। वी विल ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर द गुड ऑफ योर, सो दैट यू लर्न केमिस्ट्री फ्रॉम माई पोर्टल। थैंक यू, थैंक्स ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक्स ऑल, थैंक यू।